इनके लब रंगी मिठावर के जिसने अलीना सिद्दीकी है। इनका सवाल ये है कि ऐसा बहुत सुना गया है कि नमक नहीं गिराना चाहिए और कयामत के दिन ये नमक जो है वो पलक से उठाया जाएगा। ऐसा लोगों के अंदर काफ़ी मशहूर होता है कि नमक जो है वो नहीं गिराना चाहिए, अगर नमक जो है वो गिराया जाएगा तो बरोज़े कयामत जो है वो उठाया जाएगा। ऐसा ही एक छोटा सा वाक्या मेरे साथ भी था कि बचपन में मुझे भी यही चीज़ पता थी लोगों में सुनते सुनाते हुए कि नमक जो है वो नहीं गिराना चाहिए ज़मीन पे, वो नमक उठाना पड़ेगा। अल्लाह ताला जो है वो नमक उठाने के लिए पलकों से बोला जाएगा कि नमक उठाए। तो छोटे सी उम्र थी, शायद मुझे याद नहीं तकरीबन क्या एज थी, 4-5 साल के या 5-6 साल के करीब का, तो मेरे जहन में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती थी। तो मैं इसमें बड़ा फ़िक्रमंद रहता था कि मैं नमक को कैसे उठाऊँगा, हालाँकि गिराया नहीं था, लेकिन ये मुझे प्रैक्टिस इसकी करनी थी। मेरे दिमाग में चीज़ बैठ गई थी अच्छे से कि कयामत में अल्लाह ताला पलकों से उठवाएगा, पलकों से, तो मैं कैसे उठाऊंगा कैसे उठाऊंगा। छोटा सा तो जहन था, तो कभी मैं सोचता था कि मैं अपने साथ एक चम्मच रख लूँगा और मैं चम्मच से उठा लूँगा। तो फिर मैं इसके बारे में अंदर सभी फैमिली के लोग दम किया तो नहीं पाता था, ना इसको कुछ प्रैक्टिकल कर पाता था, लेकिन जहन में मेरी भी ये चीज़ चलती रहती थी कि नमक कैसे उठाया जाएगा। लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला नमक उठवाएगा, अगर मैं नहीं उठा पाया तो क्या होगा, मैं नहीं उठा पाया तो क्या होगा, मुझे इस चीज़ का हमेशा से डर लगा रहता था। तो एक बार क्या हुआ, घर वाले कहीं किसी प्रोग्राम में गए और घर में मैं अकेला रहा, क्योंकि मैं शुरू से मेरी आदत ज़्यादा आने जाने की थी नहीं, तो मुझे अकेला ही रहना पसंद था, तो पूरे घर में मैं फिर अकेला था। तो उस दिन मुझे ये चीज़ आइडिया मेरे जहन में आया कि चलो आज घर के अंदर कोई नहीं है, एक काम किया जाए, नमक थोड़ा सा फ्रश पे डाल के मैं उठा के देखता हूँ पलकों से कि मैं उसे उठा पाऊँगा या नहीं। तो मैंने ये के देखने के लिए कि नमक को पलकों से किस तरह अल्लाह ताला उठाएगा तो मैं कैसे उठाऊँगा, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा नमक लिया और एक चुटकी उसको फ्रश को पर डाला और उसको पलक से उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं उठ पाया, क्योंकि जो आँख की पलक है वो थोड़ी अंदर होती है माथे और नाक की वजह से, वो नहीं उठा पाया। तो जब वो नमक मुझसे नहीं उठा तो फिर मैंने उसको उठा के वापस नमक के डब्बे में डाल दिया और मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन होने लगी कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा, तो बंदा इसको कैसे उठाएगा। तो बचपन में ये चीज़ जहन में बिठा दी जाती है कि जो है वो नमक इस तरह पलक से उठाया जाएगा। तो फिर मैं ये सोचने लगा कि मैं ऐसा करूँगा, मैं एक चम्मच ले जाऊँगा वहाँ पर, और जब अल्लाह ताला नमक उठाने के लिए बोलेगा, यानी जो मेरी नमक की ढेरी लगी हुई होगी ना कि भाई इसको उठा के वहाँ रखना है पलक से, तो मैं चम्मच से उठा उठा के डाल दूंगा, ऐसा मैं सोचने लगा, क्योंकि मुझे इसकी टेंशन हो गई थी कि उठेगा कैसे। तो फिर जैसे जैसे फिर वो बड़े होते गए, अकल आती गई, तो फिर मालूम चला ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त जहन में गुनाह का तसव्वुर बस इतना था कि गुनाह होता है अल्लाह ताला गुनाह देगा, तो हम इसमें सोचते थे कि गुनाह क्या होगा, वो कैसा देगा, यानी गुनाह कैसे दिए जाएंगे। कभी कभी तो मतलब छोटा दिमाग था तो ये जहन में आता है कि लगता है वो लफ्ज़ गुनाह से गूंधना समझ में आता था हमें, कि लगता है हमें आटा दिया जाएगा और वो हमें गूंधना पड़ेगा, तो उसको लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला गुनाह देगा, तो मतलब क्या हमें आटा गूंधना पड़ेगा वहाँ पे। तो फिर कहा कि नहीं, अजाब होगा, वो आँख से पलक से नमक उठाना पड़ेगा। तो फिर वो चीज़ जहन में जम गई कि पलक उठाना पड़ेगा, मुझे उसकी इतनी टेंशन हुई, तो मैंने बचपन में उसकी प्रैक्टिस भी करना चाहिए कि एक मरतबा मैं इसको उठा के देखूँ, लेकिन वो उठ नहीं पाया। तो मुझे यही फिक्र रहती थी कि शायद चम्मच वगैरह ले जाऊंगा वहाँ पर और चम्मच से नमक उठा दूंगा। फिर बाद में धीरे मालूम चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किसी भी रिस्क को, यानी खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, उसको भेजा जो है वो फेंकना नहीं चाहिए, ऐसो ख़राब नहीं करना चाहिए, वो चाहे नमक ही क्यों ना हो। और नमक क्योंकि तमाम चीज़ों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खाने के, अगर आप बात करें तो, इसलिए उसको बेवजह नहीं गिराना चाहिए। लेकिन अगर गिर गया तो उसमें कोई ऐसा अजाब नहीं कि बंदे को पलक से उठाया जाएगा, ये केवल बच्चों में डराने के लिए ये बातें मशहूर हैं। मैंने ऐसा कोई अजाब जो है वो पढ़ा सुना नहीं, ना आज तक अपने उलमा से कभी, बड़ों से, ना ही खुद बज़ाहिर कभी किताब में पढ़ा कि पलक से नमक उठाना का कोई हुक्म होगा। लेकिन बच्चों को डराने के लिए वो इस किस्म की बातें जो है वो कुछ अजाब की बोल दी जाती हैं, और मेरी तरह कम अकल वालों के फिर वो दिमाग में छप सी जाती है कि इनकी प्रैक्टिकल उनको करने के लिए बच्चे मजबूर होते हैं। और बाकी उस वक्त मुझे अपनी बेवकूफ़ी का भी मतलब मालूम चला गया, अगर बिलफर्ज़ वो मेरी आँख के अंदर चला जाता तो शायद ज़्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो वहाँ तक पलक पहुँच ही नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे इसका अंदेशा नहीं था क्या होगा, बस मुझे वो
कयामत की प्रैक्टिस की फिक्र लग रही थी कि वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, लोग बोल रहे हैं ऐसा करना पड़ेगा तो वो मुझे कैसे करना पड़ेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं, और बच्चों में इस किस्म की बातें करनी भी नहीं चाहिए कि अगर बिलफर्ज कोई आपके पीछे इस किस्म की कोई प्रैक्टिकल करने के लिए अगर चल दिया तो फिर उसके नुकसान जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो उसको डराने के लिए आप दूसरी चीज़ जो हैं जो हकीकत में अजाब हैं उससे कुछ तशबी देते हुए उसके कुछ मिसल, उसके कुछ सिमिलर जो है बयान किए जा सकते हैं बच्चों के अंदर कि ऐसा ऐसा होगा, और जैसे कि आग का अजाब होगा, जंजीर से बांधा जाएगा, बदतमीज़ी करोगे तो ज़बान काटी जाएगी, गालियां बकोगे ज़बान काटी जाएगी, चोरी करोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, उंगलियां काटी जाएंगी, और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे या इस तरीके के कोई मामले करोगे तो बिच्छू से कटवाया जाएगा, छिपकली से, बिच्छू से। इस तरीके से बच्चों को डराने की अगर कोशिश की जाएगी तो उनके वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, ना कि इस किस्म की बातें कि पलकों से नमक उठाया जाए तो कहीं बच्चे प्रैक्टिकल में ना पड़ जाएं। पुरनवार